Hey guys, welcome back to my channel. It's Anisha Sood. So yeah, first of all, जब hangout में जब शुरू हुआ था ना, since then I was applying for it, but because of some circumstances, पहले I was a teacher at Erskine, so एक student में बैठी हुई है यहाँ पे, and वहाँ पे job छोड़ा because constantly standard one में पढ़ा रही थी, then I became I was like English teacher हुई, I standard one में शुरू से, then I left. फिर मिल्या कॉन्वेंट ज्वाइन किया, देन देयर आई वाज, या मिल्या का जो न्यू ब्रांच खुला है इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, या नो नॉट कस्बा, अपोजिट ऑफ मंदिर की कोच अभी लाइन बाजार जो है, एग्जैक्टली. सो देयर आई वाज इंग्लिश टीचर फ्रॉम क्लास 6 टिल 12, एंड फिर मेरे को लगा यार लग गया, इसके चक्कर में भी यूट्यूब नहीं चल रहा, तो दोनों जॉब छोड़ दिया. तो इसके लिए अप्लाई कर रही थी, तो कुछ नया हमने लॉन्च किया था, तो आई वाज लाइक कि क्या करेंगे परफॉर्मर के तौर पे, ऐसे ही मतलब चौड़ चौड़ पे भर दिया, एंड देन आई वाज लाइक कि परफॉर्म करेंगे, एंड अभी जब आई तो मेरी तो भाई फटके हाथ में आ गई कि करना पड़ेगा. सो सॉरी इफ आई मेक एनी एक्सक्यूज मिस्टेक्स, एंड सॉरी इफ कोई बच्चा मुझे सुन रहा है, अंशु प्लीज की So yeah, first of all, let me tell about myself. I am Alicia Sood, born and brought up in Purnia, Bihar. Basically, we come from Punjab. I'm Punjabi, and यहाँ पे I was a teacher or something. में by chance ऐसे ही randomly घूमते फिरते गई थी, select हो गई. No, she was very good actually. Thank you. And उसके बाद में ऐसे ही lockdown में time में YouTube का शौक चढ़ा गया, I should vlog. Basically, अभी मुझे आप कितना tip top देख रहे हो, if you see me on YouTube. बहुत रॉ लाइफ है मेरी, लाइक वेरी वेरी एकदम कहते हैं ना बेशरम बेतहाशा बेकार टाइप, एकदम उस टाइप की. एंड एंड टुडे इट्स बीन आई थिंक वन ईयर से थोड़ा ज़्यादा हुआ है चैनल मेरा, 7 months या 6 months में मोनेटाइज हो गया. फिर या एंड सेकेंडली उसके बाद फिर से जॉब ज्वाइन किया, एंड आई वॉज लाइक कि नहीं अब मुझे इन्फ्लुएंसिंग में थोड़ा तो ट्राई करना है, अगर चैनल मोनेटाइज कर सकती हूँ तो अभी आई डोंट नीड टू वर्क. पापा मम्मी ने भी बोला कि बी फोकस्ड ऑन योर थिंग, सो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया, नाउ आई कम टू एन इन्फ्लुएंसर टॉपिक कि आई एम स्टैंडिंग हियर. सो सबसे पहला जो खाता खोला था, आई एम सॉरी आई एम वेरी बैड विद नेम्स, आपने आई थिंक जो बॉडी शेमिंग के बारे में बात कर रहे थे, सो आई कम टू दिस टॉपिक. आई हैव अ वेरी सीक्रेट थिंग ऑफ माइंड जो मैंने अब रिवील किया, बिकॉज आई वॉज एन ऑर्गेनाइज टीचर तो मैं नहीं रिवील करती थी. I had a page on Instagram which promotes plus size beauty. Yeah. Now, आप लोग पता है short height, beauty, काला गोरा तो अलग तरफ, लेकिन मोटे लोगों का जब बेइज्जती होता है तो वो अलग तरफ में होता है, ठीक है. तो बचपन से ही मैं पैदा ही मोटी हुई थी, तो समझ लो मम्मी भी बोलती कि तुम जब निकली ना तो मेरा पेट फाड़ दी थी. Literally, literally, वो बहुत सीरियस हो गई थी. So, समझ लो मेरा स्ट्रगल तब से है मोटापे को लेकर के, और प्लस उस पे चेरी ऑन आई सी आंखें टेढ़ी थी, तो अभी भी किसी से डायरेक्टली आप बात करो तो अरे मेरे को देख रही है, ऐसे करते हैं लोग करते हैं. सो ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस करने के बाद ना बहुत सीक्रेटली एक पेज बनाया इंस्टाग्राम पे विच इज प्लस साइज स्क्वाड इंडिया, और उस पर मैंने क्या सोचा कि चौड़ में खोला, 5-10 लोग थे दिल्ली लोकेशन डाल करके, वहाँ कुछ मोटे मोटे लड़कियों को फॉलो करती थी, उनकी फोटोज देख के डालना शुरू किया कि मैं मोटे लोगों को प्रमोट करूंगी ऐसे जस्ट रैंडमली. एंड आई ऑल्सो फेल्ट वेरी एस्टॉनिश्ड कि अभी वो पेज 1 लाख सब्सक्राइब फॉलोवर्स पे है इंस्टाग्राम पर. सो जब वो पेज 1 लाख हो गया ना, तब मेरे को लगा यस आई कैन डू इट, मोटापे में दम है भाई, सब बोलते थे कौन सी चक्की काटा खाती हूँ बचपन. पता है ऐसा आप जो कह रहे थे ना हाइट को लेके बुली, मेरे साथ ऐसा ऐसा बुली हुआ है कि वन डे माय मदर वाज इन हॉस्पिटल, हार्ट अटैक आया था उनको, और लोग मुझे मोटापे को लेके बुली करते थे स्कूल लाइफ में, मैंने चक्के का हवा निकाल दिया था, नया नया साइकिल लेके गई थी ये बोल के कि मोटी है तो टाइम पंचर हो जाएगा. जब मैं निकली तो मुझे मम्मी की फ्रेंड से पता चला कि मम्मी इज हॉस्पिटलाइज, और जब आई वॉज रनिंग तो आई सॉ कि मेरा साइकिल का हवा निकला हुआ है मोटापा वाला मजाक उड़ाने के लिए, एंड दैट वाज द सिचुएशन व्हेन आई थॉट कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस शिट. तो फिर थोड़ा जब जवान होने लगते हैं तो कोई लड़का देखता है तो अच्छा तो लगता है यार, सब लड़कियां जानती हैं, तो
मुझे कोई नहीं देखता था अपने स्कूल लाइफ में, थोड़ा बहुत एक था जो भोला वाला वो देख लेता था भूल से कभी कभार तो बाकी कोई नहीं देखता था उस टाइम पे. तो आई वॉज लाइक कि थोड़ा सा और वेट कम कर लेती हूँ तो तब शायद मे बी आई गेट टू इम्प्रेस समवन. वो थोड़ा और के चक्कर में ना हॉस्पिटलाइज भी हुई राइटिंग के चक्कर में. देन दैट वॉज द मोमेंट आई थॉट कि साला नहीं होना है, मतलब जो है ऐसे है ऐसे में हार्ड से for you all.